हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम नोटिफिकेशन साउंड हम कैसे सेट कर सकते हैं। ये कस्टम क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि अपने हिसाब से हम नोटिफिकेशन साउंड कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जियो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो और भी सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है रिंगटोन साउंड जो है नोटिफिकेशन साउंड दी जा रही हैं। कोई सी भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं। और ये देखिए ऐड नोटिफिकेशन, ऐड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोई सा भी अपने डाउनलोड कर रखा है सॉन्ग वगैरह या फिर आपने कोई ऑडियो है आप उसको भी अपनी रिंगटोन पर लगा सकते हैं, साउंड पर, यानी कि नोटिफिकेशन साउंड पर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।